नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे थे प्रस्तावना कौशल पे। तो प्रस्तावना कौशल पे कुछ कमेंट आ रहे थे अलग अलग सब्जेक्ट के। मैं सभी सब्जेक्ट की वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। अभी मैं मैथ की कुछ वीडियो लेके आऊँगा। आप देखेंगे कि प्रस्तावना कौशल क्या होता है, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख लेना, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। बाकी प्रस्तावना कौशल यानी कि बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछने होते हैं। इसके अंदर जो बच्चों को पहले से नॉलेज है वो प्रश्न पूछने हैं। सबसे पहले प्रस्तावना कौशल जब आप जाते हो तो आपको क्या करना होता है कि वहाँ पर बोर्ड मेंटेन करना होता है। बोर्ड मेंटेन मैंने आपको काफ़ी बार बता दिया, आपने वीडियो देखी होगी तो आप बोर्ड मेंटेन करना आप तक सीख गए होंगे। अगर फिर भी मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, बोर्ड मेंटेन के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे कक्षा आप कौन से को पढ़ा रहे हो। मान लीजिए आप सिक्स्थ क्लास को पढ़ा रहे हो, आप सिक्स्थ क्लास लिख दीजिए। फिर आएगा कालांश, यानी कि कौन सा पीरियड चल रहा है अभी। मान लीजिए थर्ड पीरियड है तो आप रोमन के अंदर थर्ड लिख देंगे। मैंने हर वीडियो के अंदर बताया है जब भी रोमन लिखेंगे तो आर डी टी एच एन डी वगैरह का यूज नहीं करेंगे। इसके बाद आएगा समयावधि। यानी कि जो आपकी क्लास है वो कितने मिनट की है। दोस्तों मैंने बताया, अगर कोई भी कौशल है, भले वो प्रस्तावना कौशल है या श्यामपट कौशल है या कोई और कौशल है, उसकी जो क्लास होती है वो 5 से 7 मिनट की होती है। तो 5 से 7 मिनट। इसके बाद इधर आएंगे, इधर क्या होगा हमारा दिनांक। जैसे आज की दिनांक डालेंगे, यहाँ पे हमने डाल दी 27 सितंबर 2018। दिनांक के नीचे लिखेंगे विषय। आपको मैंने बताया आज हम पढ़ेंगे गणित, विषय हमने लिख दिया है गणित। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे कौशल कि हम कौन सा कौशल कर रहे हैं। तो आज कौन से कौशल पे चर्चा कर रहे हैं, प्रस्तावना कौशल। प्रस्तावना कौशल में आपका टॉपिक क्या है, यानी कि प्रकरण क्या है, क्या आप लिखोगे, प्रकरण। दोस्तों प्रकरण, मैंने कहा जब भी प्रकरण कौशल स्टार्ट के अंदर नहीं लिखेंगे, हम पहले बच्चों के पूर्व ज्ञान संबंधित क्वेश्चन उनको पुट करेंगे। जब क्वेश्चन आंसर आ जाएगा लास्ट का, जब अपना टॉपिक आ जाएगा, उसके बाद अपने टॉपिक लिख के इसको अंडरलाइन कर देंगे। टॉपिक हमेशा अपने क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन किस तरह से पुट करना है बच्चों को। मान लीजिए आज मैं आपको कोई टॉपिक दे रहा हूँ, देखिए प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न बोर्ड पे नहीं लिखना है, लेकिन आपको ध्यान में रहे इसलिए मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ। बच्चों क्या करना है कि कोई हिंट देनी है। मान लीजिए ये क्या होता है, तो दोस्तों ये क्या है, ये मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन लिख रहा हूँ कि ब्लैक बोर्ड पर प्रदर्शित आकृति कैसी दोस्तों, ऐसी ये क्या है, ये हो गया क्वेश्चन मार्क। दोस्तों आपको वहां क्या करना है, आपको वहां से पॉइंट लगाना है और पूछना है ये क्या है। बच्चे इसका आंसर दे देंगे, क्या है ये है एक पॉइंट या फिर बिंदु, ये पॉइंट है या फिर क्या है, बिंदु है। अब आप पूछना, आप बोर्ड पे क्या बनाना, इस तरह दो पॉइंट बनाना और इन पॉइंट को मिलाने पर, यानी कि ये लाइन खींच देना और पूछना इन पॉइंट को मिलाने पर कौन सी आकृति बनती है। क्या पूछोगे आप, दो बिंदुओं को आपस में मिलाने पर स्केल की सहायता से मिलाने पर कौन सी आकृति बनती है, कौन
कौन सी आकृति बनती है अपने पता है क्या बनती है, लाइन या फिर रेखा, क्या बनती है, रेखा बनती है, बोल तो लाइन बनती है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पुट करोगे, आपने एक लाइन तो वो बना रखी थी, इस तरह से एक और लाइन बना देना कि जब दो लाइनें आपस में मिलती है तो क्या बनाते हैं, तो ये क्या बनाते हैं, कोण बनाते हैं। आप क्या पूछोगे, जब दो रेखाएं परस्पर मिलती है तो, जब दो रेखाएं परस्पर मिलती है तो कौन सी आकृति का निर्माण करती है, कौन सी आकृति का निर्माण करती है, ये हो जाएगा आंसर, एंगल या कोण, ये भी बच्चों से आंसर आ जाएगा, एंगल या कोण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पुट करोगे, मैंने प्रस्तावना कौशल के अंदर कितने क्वेश्चन पुट करते हैं, 5 या 6 क्वेश्चन पुट करते हैं, कितने मिनट का होता है, ये 5 मिनट का होता है। प्रस्तावना कौशल सूक्ष्म शिक्षण का एक भाग है, सूक्ष्म शिक्षण यानी कि सीमित समय में सीमित बच्चों के सामने अपना एक सीमित स्किल, एक स्किल प्रेजेंट करना, ये एक सूक्ष्म कौशल है। जब कोण को या जब इन दो रेखाओं को आप कुछ भी बोल सकते हो, आपने बच्चों के आंसर को इधर काम में लिया है, आप ये बोल सकते हो दो कोण को या सॉरी कोण को, या आप ये बोल सकते हो जब इन दो रेखाओं को किसी अन्य रेखा से मिलाएं तो कौन सी आकृति बनती है। क्या है आपका कोण दिया हुआ था, जब ये दो रेखा थी आप तीसरी से मिला दिया, ये कौन सी आकृति बन गई, इसका आंसर आपके पास आ जाएगा, क्या आ गया, त्रिभुज। आप पूछोगे त्रिभुज के बारे में विस्तार से बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्या पुट करोगे, त्रिभुज के बारे में विस्तार से बताइए, ये अपने डायरी के अंदर लिखेंगे समस्यात्मक, यानी कि अपनी डायरी के अंदर लिखेंगे, इसका आंसर नहीं आया है, यानी कि क्या है, समस्यात्मक है। अपना टॉपिक आज का क्या हो गया, त्रिभुज, यहां पे अपना टॉपिक लिख देंगे और टॉपिक को कर देंगे अंडरलाइन। अब क्या होता है, कई बार बच्चे बता देते हैं, कोई खड़ा हो गया इंटेलिजेंट कि हाँ सर त्रिभुज क्या होते हैं, 3 भुजाएं होती है, 3 कोण होते हैं, ये होता है वो होता है, तो आपको क्या कहोगे कि आज हम त्रिभुज के बारे में और अधिक विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, थैंक यू।